तो पाकिस्तान का फिर से सपना रह गया धरा का धरा, क्योंकि बीसीसीआई ने पाकिस्तान जाने से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कर दिया है मना। ऐसा कुछ दोस्तों एशिया कप 2023 में भी तो हुआ था कि एशिया कप 2023 की जो मेज़बानी थी, जो होस्ट था एशिया कप 2023 का, वो था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने बहुत तैयारियां करी थी भारत का स्वागत करने के लिए। तब जब पीसीबी के चेयरमैन थे नजम सेठी, उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे कि टीम इंडिया की सिक्योरिटी पर कितनी निगरानी रखी जाएगी, कितनी ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी होगी। पर लेकिन एंड में क्या हुआ, एंड में यही हुआ कि भाई बीसीसीआई ने और भारत सरकार ने मना कर दिया कि भाई पाकिस्तान तो नहीं जाएगी टीम इंडिया। इस वजह से एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में हुआ था। कुछ मैचेस शुरुआत के पाकिस्तान में हुए थे और बाकी के जो मुकाबले थे, और बेसिकली जो टीम इंडिया के मुकाबले थे, वो श्रीलंका में हुए थे। अब भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जो कि रिपोर्ट आई है बीसीसीआई के थ्रू। ये रिपोर्ट ऑफिशियल तो नहीं है, पर लेकिन जो बीसीसीआई के जो सूत्र हैं, अनोनिमस सूत्र जिन्हें कहेंगे, उनके थ्रू ये रिपोर्ट आई है साफ तौर पर कि बीसीसीआई और भारत सरकार कंफर्टेबल ही नहीं है टीम इंडिया को पाकिस्तान टूर करवाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी वजह तो वही है, सिक्योरिटी रीजंस। पर लेकिन पाकिस्तान तो काफ़ी एक्साइटेड है। पीसीबी ने इतने हज़ारों करोड़ का बजट भी जो है तैयार कर लिया है इस चीज़ के लिए, और इतनी सारी तैयारी कर ली है, तो पीसीबी कहीं ना कहीं बरकरार है। और बरकरार मैं कह रहा हूँ, एक और वर्ड में इसके साथ कहता हूँ, बेकरार है। बरकरार हो सकता है राइट वर्ड ना हो, पर लेकिन बेकरार तो ज़रूर है टीम इंडिया का स्वागत करने के लिए पाकिस्तान में, कि चैंपियंस ट्रॉफी खेले आकर भारतीय टीम। क्योंकि आखिरी बार दोनों के बीच में, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बायलेटरल सीरीज हुई थी, वो भी 2012-13 में हुई थी, जो पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली थी, वो इंडिया ही आई थी। फिर उससे पहले अगर आप बात करें तो आखिरी बार 2007 में भारत गया था पाकिस्तान दौरा करने, उसके बाद से टीम इंडिया पाकिस्तान गई ही नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, और कुछ भी उसके बाद से नहीं हुआ पाकिस्तान जाकर टीम इंडिया का। तो अब भी ये अटकलें लगाई जा रही थी, और पूरी की पूरी उम्मीद थी पाकिस्तान को कि भाई भारत आएगा पाकिस्तान में, कुछ क्रिकेट होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ बढ़ावा मिलेगा पीसीबी को भी, पाकिस्तान क्रिकेट को भी। पर ऐसा अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नहीं होने वाला, जो कि रिपोर्ट्स आई है। मैं आपको रिपोर्ट ज़रूर बताऊंगा आगे, बीसीसीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट्स है, पर लेकिन अनोनिमस है। उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, यानी ऑफिशियल जो ठप्पा लगना उस पर अभी भी रहता है, और वो ऑफिशियल ठप्पा कौन लगाएगा, भारतीय सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट इस पर ऑफिशियल ठप्पा लगाएगी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने प्रपोज शेड्यूल भी भेज दिया आईसीसी को, पूरी तैयारी कर रखी थी, टीम इंडिया की सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट भी कर लिया था, लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट भी हो गया था पूरे तरीके से, कि टीम इंडिया के सारे मैचेस, ताकि टीम इंडिया को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, ट्रैवल ज्यादा होगा तो सिक्योरिटी पर लालचन लगेगा, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल ना करना पड़े टीम इंडिया को। इस वजह से लाहौर में सारे के सारे टीम इंडिया के मैचेस करा दिए गए थे, और इन केस टीम इंडिया इस प्रपोज्ड शेड्यूल के मुताबिक अगर भारत जो है पाकिस्तान जाती, तब की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिनेरियो जो पाकिस्तान ने बिल्ड किया था, जो सपना बनाया था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सपने पर पानी फिरेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आगे तक, आपको बने रहना इसी वजह से। तो कहीं ना कहीं यही है कि प्रपोज शेड्यूल भी बनाया, आईसीसी को भी दिया, आईसीसी ने भी इस पर मोहर लगा दी, पर लेकिन बीसीसीआई के इरादे कुछ और हैं। बीसीसीआई के इरादे ये हैं जो कि अलग हैं, मैं आपको बताता हूँ। बीसीसीआई इज अनविलिंग टू सेंड टीम इंडिया टू पाकिस्तान, तो वो भी नहीं चाहती कि भाई ये टीम इंडिया पाकिस्तान जाए, सिक्योरिटी रीजंस, भले ही जो है पाकिस्तान ने कितनी भी तैयारी कर ली हो, पर लेकिन ट्रस्ट नहीं है और कंफर्टेबल भी नहीं है, एक तो ये बड़ी बात है। और दूसरी तरफ ये है कि बीसीसीआई रिक्वेस्ट करेगा, यानी भारत रिक्वेस्ट करेगा आईसीसी से कि भाई जो वेन्यू है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, उसको रीलोकेट किया जाए। अब रीलोकेटिंग जो वेन्यूज हैं वो होंगे श्रीलंका या तो फिर यूएई, अब कौन सा वेन्यू होगा इस पर भी मोहर लगनी बाकी है। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट्स थी बीसीसीआई के बारे में, जो ऑफिशियल अभी अपडेट आई नहीं है इसके बारे में। भारतीय सरकार जब उनसे बातचीत होगी, जब बीसीसीआई उनसे बातचीत करेगा, ऑफिशियल मोहर लगेगी, तब ये जो है खबर पुख्ता हो जाएगी। फिलहाल के लिए सबसे बड़ी खबर तो यही है जो बीसीसीआई के जो अनोनिमस जो सोर्स से आई है, वो सामने यही आई है कि भाई भारत तो नहीं जा रहा पाकिस्तान टूर करने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, जो पाकिस्तान का पूरा सपना था। इतनी तैयारियां थी, इतनी लॉजिस्टिकल, इतनी सिक्योरिटी रखी गई थी भारत के लिए, सारे मैचेस लाहौर में कराए जाएंगे, टीम इंडिया को इतना ट्रैवल ना करा पड़े, वो सब धरा का धरा रह गया। एक और बड़ी चीज़ है कि अब जो कमेंट्स आएंगे ना टीम इंडिया के ऊपर या बीसीसीआई के ऊपर, वो ये आएंगे कि भाई इतना इतना रेवेन्यू बीसीसीआई आईसीसी को देता है, इस वजह से जो आईसीसी सारी बात मानता है बीसीसीआई की। अब देखिए जो भी है वो डिसीजन आईसीसी का होगा, आईसीसी क्या डिसीजन लेता है उसका हम भी वेट करेंगे, आप भी वेट करना। फिलहाल के लिए अब इस वीडियो में इतना ही।